आप सभी को नमस्कार। मैं सभी को, मैं मास्टर मनोज कुमार, ये प्रदीप कुमार। हम आपका संडे इस फंडे में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रदीप जी, आज साथियों में एक जोड़ की ट्रिक लेके आए हैं। जोड़ की वो ट्रिक है कि आप पहले कोई संख्या लिखेंगे, उसका उत्तर मैं पहले ही लिखूंगा, फिर आप एक संख्या बोलेंगे मैं एक लिखूंगा, फिर आप एक लिखेंगे मैं एक लिखूंगा, और उत्तर वही आएगा। अब पहले तो हमको करके संख्या चाहिए, कुछ भी लिखूं कुछ भी लिखे वो आपकी इच्छा है। आपकी संख्या से लेते हैं, आंसर पहले ही आ जाएगा। अच्छा। और साथ में उसकी ट्रिक भी बताएंगे कि आंसर किस प्रकार है। पहले आप पांच अंकों की कोई एक संख्या यहाँ पे लिख दें। अच्छा जी, जी संख्या। अब इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से आपको इस खाने में लिखना है। मैं इस खाने में लिखूंगा, आप इस खाने में लिखेंगे, मैं इस खाने में लिखूंगा। मैं इसका आंसर पहले ही लिख रहा हूँ, आंसर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका पांच, ये दो आ गया, ये छह आ गया, ये सात आ गया, इधर दो आ गया। लो सर, आंसर आ गया आपका 276256 आपका उत्तर आ गया। कोई भी संख्या लिखे, कोई भी संख्या आप पांच अंकों की यहाँ लिख दें। अच्छा, फिर मैं लिखूंगा। हाँ, आप कोई भी संख्या लिखे। जी ओके, अब मैं एक संख्या लिख रहा हूँ आपके साथ में। अच्छा जी ओके, अब आप जोड़ कर सकते हैं। 8 7 15 17 17 9 26 26 का 6 2 5 7 7 8 15 15 16 16 9 25 25 का 5 2 2 2 4 4 13 13 9 22 22 का 2 2 6 8 4 12 5 17 4 21 5 26 26 का 6 2। अरे तो सही जा रहा है बिल्कुल बिल्कुल, आप बता भी देंगे। 2 और 7 9 2 11 7 18 6 24 और 3 27, ये कैसे हुआ? ये बिल्कुल उत्तर सही आएगा, आप कोई भी संख्या लिख दें और ये बिल्कुल उत्तर सही आएगा। ये तो एक प्रकार का मैजिक हो गया। तो ये मैजिक ही है, मैथमेटिक्स इज ए मैजिक, मैथमेटिक्स खुद एक मैजिक है और वो अंकों का जादू है। अंकों से ही हम जादू करते हैं, लेकिन इसकी ट्रिक भी होती है। जादू ट्रिक तो अपने आप में कुछ नहीं है, वो ट्रिक ही है, ट्रिक के आधार पर ही जादू होता है। अब ट्रिक क्या है वो देखिए। जी सर, आपने जो भी संख्या लिखी है, और यहाँ पे पहले तो मैं इसका फंडा बता देता हूँ, आप जो संख्या लिख रहे हैं मैं उसका बढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं इन दोनों संख्याओं का 9 बढ़ाता हूँ। अच्छा, ये देखिए आप ध्यान से, अच्छा मैंने 9 बनाया, आपने 7 लिखा, मैंने 2 लिखा, 8 लिखा, 1 लिखा, 9 लिखा, 0 लिखा, 0 लिखा, 9 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 9 बन रहा है। जी जी, अब 9 और 9 कितने होते हैं? 18। मैं हर बार यही करूंगा, यही ट्रिक बनाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। 18 बन गए, 18 में यदि आप 8 जोड़ेंगे तो 26 आ गया। 26 का 6, और इस 18 में 26 का 6 आने के बाद 2 हासिल चला गया, इनका जोड़ 18 बन रहा है। जी, 18 में 2 जोड़ के 20 तो अपने आप आ गया। जी, 20 आ गया ना। अब यदि 20 आ गया तो यहाँ जो अंक बच गया वो वही वैसे का वैसे ही रहेगा। 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 5 आएगा। ठीक है, यही स्थिति अपने लिए बनी है। 18 और 2 20, जो ये अंक बच गया ये ऐसे ऐसे ही रहेगा। अगली बार भी नहीं आई है कैसे कैसा आएगा। ठीक है, अगली बार भी है कैसे कैसा आएगा, लेकिन जो 2 हासिल यहाँ बचेगा वो आगे जाएगा। आपके संख्या नहीं है तो यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 कम करके यहाँ पे लाना है, बीच वाली संख्या बिल्कुल ऐसे ही रखनी है। अच्छा, तो आपके पास ये पूरा का पूरा अंतर ऐसे ही आ जाएगा। आप किसी भी संख्या के साथ लिख सकते हैं। यहाँ से जैसे हमने 8 लिखा था, हाँ, आपको पता है कि मेरा जोड़ 18 ही आना, 18 ही तो आना है। मैं बढ़ाऊंगा, ये 18 ही आ रहा है। ऊपर जो भी संख्या लिखी है उसमें बस 8, 18 में मान लो 6 होता, मान लो यहाँ पे 6 होता तो आप यहाँ पे 4 लिखते पहले ही। तो अब यहाँ एक स्थिति और बन सकती है, यदि आप यहाँ 0 या 1 लिख दें तो यहाँ पे वो स्थिति नहीं आएगी। ये ध्यान रखे, 0 या 1 है, 18 में 1 जुड़ गया, 19 दो हासिल नहीं जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपने यहाँ 0 लिख दिया होता तो मैं 1 हासिल लेके ही यहाँ पे करता, यहाँ 1 आएगा तो इससे 1 कम करके मैं लिखता। 20 और जैसे यहाँ पे 18 तो आपका बन ही रहता। हाँ, 18 पास तेज आप 4 लिखते। जी जी जी, मैं यहाँ 4 लिखता, लेकिन वो सिर्फ लास्ट के लिए है, बीच में 0 आ गई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लास्ट वाले में देखा 0 और 1 आ गया तो पहले अंक को 1 कम करके लिख दें। यदि यहाँ भी 0 और 1 बन रहा है तो अगले अंक को भी 1 कम करके लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखे। जी जी, ठीक है ना। तो 1 कम करके यदि लिखेंगे तो फिर हमारा उत्तर सही आएगा, लेकिन यदि यहाँ 20 से ऊपर संख्याएं बन रही है तो भी यही ट्रिक काम आएगी।
आशा है कि आपको समझ आ गई होगी और आपको भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि संडे का दिन ही हमारा यह है कि हम मैथमेटिक्स ट्रिक और खेलों के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, मैं और प्रदीप बालू जी आपको। तो आशा है कि आप अपने घर परिवार में अपने माँ बाप बच्चों के साथ इस गेम को खेलें और इस ट्रिक को ही बताएंगे, और हमारे इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है, क्योंकि संडे इज फन डे।